कोड विल लर्नर्स में प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि चौथा लॉकडाउन 25 मई तक सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है, तो आप अपने कार्य को, पढ़ाई के कार्य को जारी रखें और समय का ध्यान रखें। समय बड़ा बलवान है, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करें, जीवन अनमोल है, जीवन की सुरक्षा कीजिए। पिछली वीडियो में हमने 3 पार्ट पूरे हो चुके थे, मुझे उम्मीद है आपको ने उनकी व्याख्या भी की होगी और आपकी समझ में भी आ गया होगा। आज बिहारी लाल का चौथा अध्याय हम शुरू करते हैं, भक्ति के दोहे। किस प्रकार बिहारी जी ने राधिका की उपस्थित उपासिका की है, राधा की उपासना की है, स्तुति की है, किस प्रकार उस राधा की स्तुति करते कहते हैं, मेरी बहु राधा रो राधा नागरी सोई। हे राधा चतुर राधिका, नागरी कहते चतुर, बहु बाधा सांसारिक बाधा को हरो कहते दूर करो। हे राधिका जी, चतुर राधिका जी, मेरी सांसारिक कष्टों को आप दूर करो। जातन की जाय परे, क्योंकि आपके शरीर की परछाई पड़ने से ही शानु हरिद्युति हो गई। सांवले रंग के श्री कृष्ण बड़े सुंदर दिखाई देने लगते हैं, तो आप मेरे कष्टों को दूर कर सकती हो, मेरी सांसारिक बाधा को दूर कर सकती हो, इसलिए मेरी सांसारिक बाधा को दूर करो। हे चतुर राधिका, नागरी कहते हैं चतुर, हे चतुर राधिका, हरो कहते हैं दूर करना, बहु बाधा सांसारिक बाधाओं को, हे चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, कष्टों को दूर करो, क्योंकि आपके शरीर की परछाई पड़ने से ही सांवले रंग के श्री कृष्ण सुंदर दिखाई देने लगते हैं। मोर मुकुट की चतरी करूं यो राजत नंद, राजत नंद नंद मनु मानो शशि शेखर की अक्ष किए शेखर चंद। बिहारी जी ने श्री कृष्ण के शरीर मुख पर, श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर पंखों से बना हुआ मुकुट है, किस प्रकार उसकी प्रशंसा की है कि श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट को देखकर ऐसा लगता है, मोर मुकुट की चंद्री कहू यो राजत नंद नंद, नंद के सिर पर जो मोर पंखों से बना, नंद के पुत्र के सिर पर जो मोर पंखों से बना हुआ मोर मुकुट है, उसकी चंद्रिकाएं ऐसी दिखाई देती हैं, मनो मानो शशि चंद्रमा ने शेखर अक्ष किए शेखर चंद, मानो चंद्रमा ने शंकर जी से तुलना करने के लिए सैकड़ों चंद्रमाएं सिर पर धारण कर लिए हों। यानी बिहारी ने जो श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों से बना मुकुट को धारण करते हैं, उस पर जो मोर पंखों की चंद्रिकाएं हैं उनकी तुलना की है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो चंद्रमा के, मानो शंकर जी से तुलना करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को सिर पर धारण कर लिया है। अर्थात उनके मुख पर जो वे चंद्रिका है सैकड़ों चंद्रमाओं के समान, सैकड़ों चंद्रमाओं की सुंदरता भी उनके आगे फीकी लगती है। सोहत उड़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलगिरि शैल पर आत्म परियो प्रभात। श्री कृष्ण सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं इस प्रकार दिखाई देते हैं, मानो नीलमणि शैल पर आत्म परियो प्रभात, मानो नीलगिरि के पर्वत पर सुबह सुबह की सूर्य की पीली पीली धूप पड़ रही हो। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर उन पीले वस्त्रों की चमक इस प्रकार दिखाई दे रही है कि नीलगिरी के पर्वत पर, मानो नीलगिरी के पर्वत पर सुबह सुबह की पीली पीली धूप पड़ रही हो। यहां तुलना की है, समानता की, इसलिए पहले में क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। अगर धरत हरि के प्रत ओढ़ डीडी पर ज्योति, हरित की हरित बांस की बांसुरी इंद्र रंग ज्योति,
बिहारी जी ने किस प्रकार श्री कृष्ण की बांसुरी की सुंदरता का वर्णन किया है, कैसे एक सखी राधिका जी से कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को होठ पर रखते हैं तो उस होठ नेत्र पीतांबर की ज्योति पड़ने से हरे बांस की बांसुरी की भांति अनेक रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। कहते हैं कि जब बांसुरी को होठों पर रखते हैं अदर धरारत ओट डीडी पर ज्योति, तो होठ दृष्टि उनके होठ आंख और शरीर के पीले वस्त्र और शरीर सावला ऐसे होते हैं इंद्रधनुष के साथ रंग वहां पैदा हो जाते हैं, बहुरंग की शोभा आप में परिवर्तित हो जाती है। या अनुरागी चित्त की गति समझने को जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल हो। कवि बिहारी जी कहते हैं या अनुरागी चित्त की मैं अपने प्रेम मन के प्रेम की गति को नहीं समझ पाया हूं, क्यों जो जो बूढ़े श्याम रंग जैसे जैसे इस भगवान के रंग में डूबता है उतना ही पवित्र होना चाहिए, परंतु जैसे जैसे श्री कृष्ण के रंग में डूबता जाता है उतना ही उज्जवल हो ही उतना ही पवित्र होता जाता है, जबकि जब सावले रंग में डूबने से सावला होना चाहिए। इसलिए इस मन के ईश्वर के प्रति प्रेम में मन की गति को मैं नहीं समझ पा रहा हूं, जैसे जैसे सावले रंग में डूबता है उतना ही पवित्र होता जा रहा है। तो लघु या मन सदन हरिया में किटवाड़, अगर हमारे मन में कपट रूपी किवाड़ लगे हुए हैं धोखे रूपी किवाड़ लगे हुए हैं तो इसमें प्रभु किशोर से प्रवेश करेंगे। विकट जटिल पर निपट, जब तक हमारे मन के धोखे रूपी किवाड़ नहीं खुलेंगे तो हमारे मन में प्रभु किसी तरफ से प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो लघु मन सदन हरिया में किवाड़, अगर हमारे मन में धोखे रूपी किवाड़ लगे हुए हैं तो इसमें प्रभु किशोर से प्रवेश कर सकते हैं। विकट जटे लघु निपट, हमारे मन के जब तक धोखे रूपी किवाड़ नहीं खुलेंगे तो हमारे मन में प्रभु प्रवेश नहीं कर सकते। जगत जना जी सकलू सो हरि जाने नहीं। बिहारी जी कहते हैं जिस प्रभु ने तुझे बनाया है संसार में भेजा, जगतु जना जी सकलू सो हरि जाने नहीं, उस परमात्मा को नहीं जान पाया उसे नहीं पहचान पाया। जो आंखें सब कुछ देखी आंख न जाई, जिस प्रकार आंखें सब कुछ देख सकती है पर अपने आप को नहीं देख सकती है उसी प्रकार हे जीव जिस परमात्मा ने तुझे बनाया है जिस ईश्वर ने तुझे बनाया है तो उसे भूल गया है उसे नहीं जान पा रहा है, इसलिए उसे जान और अपने जीवन को जो है सफल कर। जब तू जनाया जिस परमात्मा ने तुझे सारे संसार में जनाया सो हरि जानो नहीं, तू उस परमात्मा को नहीं पहचान पाया नहीं जान पाया। जो आंखें सब देखू जिस प्रकार आंखें सब कुछ देख सकती है आंखी न देखी जाए परंतु स्वयं को नहीं देख सकती है। जब मादा छापा तिलक सरे ने कुकाम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। बिहारी जी किस प्रकार मनुष्य को चेताते हुए कहते हैं कि माला का जाप करने से माथे पर बड़े बड़े तिलक लगाने से छापा लगाने से सरे ने एक काम एक विकाम कभी सिद्ध नहीं होता है। अगर सिर्फ माला जपने से माथे पर बड़े बड़े तिलक लगाने से प्रभु प्राप्त होते या कोई काम सिद्ध होता तो सभी अपने कामों को सिद्ध कर लिया करते। मन कांचे मन तो कच्चे घड़े के समान है, नाचे वृथा वृथा कहते हैं बेकार की चीजों पर, या तो बेकार की चीजों पर सांसारिक चीजों पर मोहित होता रहता है। सांचे राचे राम सच्ची भक्ति तो उस परमात्मा की भक्ति है, उस परमात्मा सच्ची भक्ति उस परमात्मा की भक्ति है, उस भक्ति से ही मन को शांति प्राप्त होती है। ये झूठा आडंबर तिलक लगाना बड़ी बड़ी मालाओं का जाप करना ये सब बेकार है। जब माला छापा तिलक सरे ने को काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। मन तो कच्चे घड़े के समान है, बिहारी जी कहते हैं बार बार माला जपने से और माथे पर बड़े बड़े तिलक लगाने से कभी एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। सच्ची भक्ति तो परमात्मा की भक्ति है,
उस पर उठती है। मन तो बेकार की चीजों पर मोहित होता रहता है, सांसारिक चीजों पर लोभान होता रहता है, सच्ची भक्ति तो उस परमात्मा की भक्ति है। प्यारे बच्चों, भक्ति के 8 दोहे आपके पूरे हो गए, मुझे उम्मीद है आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपने गुरुजनों के उत्साहवर्धन के लिए प्रत्येक वीडियो को लाइक करेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।